नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज, मैं सुहानी चंद्राकर। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के राजनांदगांव की सभा में पीएम मोदी को लेकर दिया गया एक विवादित बयान सोशल मीडिया की सुर्खियों को बटोरता रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बयान पर जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे किनारा करते हुए कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। बता दें कि 2 अप्रैल को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी शामिल हुए। इस दौरान जनसभा भी आयोजित की गई थी। मंच में पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में डॉक्टर महंत ने विवादास्पद बयान दिया था। डॉक्टर महंत ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाठी करने वाला, सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। ये आदमी भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव हो सकते हैं। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते हैं तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते हैं। बाकी बन सिधवा सारे हो हैं। और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। लाठी धरे नहीं सके, गाली दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहां ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तोर पर प्रार्थना करता हूं, आप सब वोट देवा और बहारी बहुमत से जितावा, इतके प्रार्थना है।